वार्ता बे पत्थरनी। एक मूर्तिकार हतो, ए मूर्ति बनावा माटे जंगल मा गयो। बे मोटा पथरा लई आव्यो, एमांथी पहेलो पत्थर लीधो अने मूर्ति बनावानुं शरू कर्यु। हाथ में टाकणो लीधो, हथोड़ी लई अने टाकवानुं शरू कर्यु। एनी पत्थर पर घा मारवा लाग्यो, त्यां पत्थर राड़ो पाड़वा लाग्यो, बूमो पाड़ी पाड़ी ने कहेवा लाग्यो कि मारथी आ घा सहन नहीं थाय, मने तो बहु लागे छे। एटले मूर्तिकार ऊभो रही गयो, तेने बाजू में मूकी दीधो अने तेने बीजो पत्थर लीधो। ए पत्थर लई ने तेने मूर्ति बनावानुं शरू कर्यु, टाकणो अने हथोड़ी थी घड़वानुं शरू कर्यु। ए पत्थर कंई ज बोल्यो नहीं, बधा ज घा सहन करीने पड्यो रह्यो, शांति थी जोतो रह्यो। थोड़ी वार में एने समझाई गयु कि हूँ तो कंईक बन्यो छू, एटले चुपचाप रह्यो। मूर्ति बनी गया पछी ए मूर्तिकारे ने वेची नाखी अने बीजा पत्थर ने तेनी साथे आप्यो। ए मूर्ति मंदिर में भगवाननी हती अने जे साथे हतो ते पत्थर ने बहार श्रीफळ वधारवा माटे राख्यो। खूब ज प्रेरणादायी वार्ता। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थई अने मूर्ति नी पूजा शुरू थई। रोज माणसो मंदिरे आवे, पूजा करे, दीवा करे, सारा सारा प्रसाद अने घरे दर्शन करीने बे हाथ जोड़ीने बधा बहार आवे अने पछी श्रीफळ ने पत्थर साथे जोर थी पछाड़ीने वधेरे अने ए पत्थर थी सहन न थाय। आ जोईने बहारवाळा पत्थर थी रहेवायुं नहीं, तेने अंदर जईने मूर्ति ने कह्युं के मारो शुं वांक छे, मारी साथे बधा श्रीफळ पछाड़े छे अने तने तो बे हाथ जोड़े छे, माथुं नम आवे छे, तारी पूजा करे छे, फूल चढ़ावे छे, तने दर्शन करे छे अने मारे तो घा ज सहन करवा पड़े छे। पछी मूर्ति बनेलो पत्थर बोल्यो, जो ते जीवन में दर्द मुश्केली अने सहन करीने पोतानामां बदलाव लावी शके तेने लोको मान अने सन्मान आपे छे। ते ज्यारे मूर्ति बनावा टाइमे करीने बदलाव लई आव्या दीधो होत तो आजे तारे पीड़ा सहन न करवी पड़त। जो एक वार दर्द पीड़ा सहन करीने जीवन में अड़ी खम ऊभा रह्या तो जिंदगी भरनी निराश थई जाय अने तेनाथी लड़ीने जो जता रह्या अथवा तो बूमो पाड़ता रह्या के बहाना देता रह्या तो श्रीफळना घा सहन करवा पड़शे। किंमत वगरनुं जीवन अने आखी जिंदगी पीड़ा सहन करवी पड़शे। खूब ज प्रेरणादायी वार्ता।